आरडी शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं, क्लास 11th है, चैप्टर 7, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। इसमें साइन ए दिया हुआ है 4/5, कॉस भी दिया है 5/13, जहां पर एंगल जो है जैसे ए वो 0 से बड़ा है और बी 90 से छोटा है। आपको वैल्यू निकालनी है साइन ए प्लस बी की, कॉस ए प्लस बी की, साइन ए माइनस बी की और कॉस ए माइनस बी की। अब इनके फॉर्मूले हमें पता है, जैसे साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। इसके लिए हमें फिर साइन ए चाहिए, वो हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें साथ में कॉस ए भी चाहिए। सीधी सी बात, कॉस बी 5/13, साइन बी भी चाहिए। अब हम यहां पर क्या फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, क्योंकि साइन से कॉस निकाला जा सकता है, कॉस से साइन निकाला जाता है। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1। अगर आपको कॉस निकालना है तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर करिए और अंडर रूट कर दीजिए इसको। अगर आपको साइन निकालना है तो क्या करेंगे, साइन निकालना है तो कॉस स्क्वायर ले आइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अंडर रूट। यही काम यहां हुआ है, कॉस है ये है, यहां पर हमने साइन स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी कि 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। साइन बी बी में भी ऐसे करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर भी, यानी ये 5/13 का होल स्क्वायर। 4/5 का होल स्क्वायर हो गया 16/25, 5/13 का होल स्क्वायर हो गया 25/169, ये हो गया 25-16/25, ये हो गया 169-25/169, 25-16 होता है 9, 169-25 होता है 144। तो कॉस ए हो जाएगा अंडर रूट 9/25, यानी कि 3/5। साइन बी हो गया ये 12 हो जाएगा, अंडर रूट 12 स्क्वायर होता है 144 और ये 13। तो ये सारी वैल्यूज मिल गई। अब आपके पास ये दो चीज़ें तो दी हुई थी, आपने कॉस ए और साइन बी भी निकाल लिया, यहाँ रख लीजिए फॉर्मूले में 56/65 आएगा। इसी तरीके से बाकी करेंगे, जैसे आपको कॉस ए प्लस बी निकालना है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इसको बार बार निकालने की आवश्यकता है नहीं आपको, क्यों, क्योंकि साइन ए कॉस बी आपके पास है ही। और आप अब यहाँ पर देखिएगा कि ऑलरेडी आप ये कॉस ए और साइन बी निकाल चुके हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर रख लीजिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये कॉस ए प्लस बी जो होता है वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, इसमें रख लीजिए -33/65 आएगा। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहां देखिएगा ये सारी वैल्यूज हमें पता है, क्योंकि दो तो हमें दी हुई है, हम ऑलरेडी दो निकाल चुके हैं, यह आएगा -16/65। कैलकुलेशन आपके सामने है। इसी तरीके से कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, चारों वैल्यूज आपके पास है, 63/65 आएगा ये। अगला जो सवाल है उसमें साइन ए दिया हुआ है 12/13 और साइन बी दिया है 4/5। ए की जो वैल्यू है वो दी है 5/2 और पाई के बीच में, यानी 90 और 180 के बीच में। इसका मतलब एंगल ए जो है वो यहां से यहां के बीच में है, बुरा नहीं है, एंगल ए यहां पर है इस क्वाड्रेंट में है। ऐसे बी आपको दिया हुआ है कि ये 0 और π/2 के बीच में है, मतलब बी आपका यहां है इस क्वाड्रेंट में। तो क्योंकि यहां पर ऑल, यहां पर साइन होता है ऑल स्टूडेंट, और या कहें ऑल स्कूल टू कॉलेज होता है। इसका मतलब जब आप इन क्वाड्रेंट्स की बात करते हैं तो आपको साइन देखने पड़ेंगे, साइन क्या आएंगे। काम वही करना है जो हमने पिछले सवाल में किया, बस यहाँ पर साइन का ध्यान रखना है, क्योंकि एंगल दिए हुए हैं किसके किसके बीच में है। जैसे ये साइन ए है 12/13, क्या कॉस कैसे निकालेंगे, कॉस निकालेंगे 1/√1 - sin²। तो हमने √1 - sin² ही लिया। अब आप देखिए कॉस ए जो है, कॉस ए अगर ए देखें तो यहां पर है और यहां पर कॉस निकाला जाए ए एंगल का तो वो नेगेटिव आएगा। तो जब हम कॉस निकालते हैं तो ध्यान रखिएगा हमारे पास प्लस माइनस दोनों होते हैं, जब हम अंडर रूट निकालते हैं तो अंडर रूट प्लस माइनस दोनों में आता है। तो जैसे ही हम ये करेंगे 1 - sin² है, यानी कि अंडर रूट 1 - 12/13 का होल स्क्वायर, यानी 1 - 144/169,
169 माइनस 144 बाय 169 यानी कि 5/13 तो आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर कॉस जो होता है इस क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो कॉस का नेगेटिव साइन लेंगे आप, बस यही इसमें मेन चीज देखनी है। जब आप यहां पर आएंगे कॉस बी, अब कॉस बी जब कॉस बी का निकालेंगे, क्योंकि यहां ऑल सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं तो यहां पर भी तो प्लस माइनस करना पड़ेगा, बट क्योंकि यहां आप कॉस बी निकाल रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस 16 बाय 25 4 बाय 5 का होल स्क्वायर, अल्टीमेटली जो भी आपका 3/5 आता है इसका पॉजिटिव साइन लेना है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे यहां पॉजिटिव होते हैं। तो कॉस से आ गया माइनस 5/13, कॉस भी आ गया 3/5। मैं फिर से लिख देता हूं क्योंकि सारे के सारे हमें फॉर्मूले तो पता ही है, कॉस साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। अब साइन ए की जगह आप 12/13 रखेंगे, साइन बी की जगह 4/5, कॉस ए की जगह रखेंगे आप माइनस 5/13 और कॉस बी की जगह रखेंगे आप 3/5। यहाँ सारी वैल्यूज रखेंगे, इसी तरीके से कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ वैल्यू रखेंगे साइन ए प्लस बी आएगा 16/65 और कॉस ए प्लस बी आएगा -63/65, ये वैल्यूज आएंगे। अब ये कहा गया है कि यदि साइन ए 3/5 है और कॉस बी -12/13 है, जहां ए और बी दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में है, तब आपको साइन ए प्लस बी निकालना है। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं, क्वाड्रेंट में क्या होता है। ऑल स्कूल टू कॉलेज, अब इन्होंने कहा कि ए और बी दोनों इस क्वाड्रेंट में है, ए भी यहां है ए एंगल और बी एंगल भी यहां पर है, यहां पर साइन प्लस होगा कॉस नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन ए आपका 3/5 है तो कॉस बी ये माइनस आप 12/13 आपको ऑलरेडी दिख रहा है ना। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा था कॉस ए और साइन बी ये तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है अपने, तो हम क्या करने वाले हैं, कॉस ए इक्वल टू यहां माइनस से लेंगे क्योंकि कॉस या नेगेटिव है तो कॉस ये होगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। साइन भी जब निकालेंगे तो क्योंकि साइन यहां पॉजिटिव होता है तो इसको प्लस ही रखेंगे, इस प्लस माइनस में प्लस ही लेंगे, इस प्लस माइनस में हम माइनस लेंगे क्योंकि यहां कॉस नेगेटिव होगा, बाकी चीजें बिल्कुल सेम है। कॉस निकालना है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करके, साइन भी निकालना है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए करके, तो ये माइनस 4/5 क्योंकि नेगेटिव वैल्यू लेंगे और यहाँ पर साइन भी आएगा 5/13, ये हो गया। अब आप डायरेक्ट साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, जो साइंस आए हैं उस हिसाब से ये माइनस में, बस ये माइनस में आएगा, बाकी तो आपको दिए ही हुए, बस ये तो पॉजिटिव में होगा क्योंकि यहाँ साइन में पॉजिटिव होता है, यहाँ रख लीजिए ये 56/65 आएगा नेगेटिव में आएगा। अगला जो है वो है कॉस ए आपको दिया है -24/25, कॉस भी दिया हुआ है 3/5। अब इसमें एंगल किस तरीके से दिया हुआ है ध्यान रखिए, इसमें ए दिया हुआ है पाई और 3π/2 के बीच में, ए दिया हुआ है पाई और 3π/2 के बीच में, इसका मतलब ये जीरो है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है। ए एंगल आपका इसके दरमियान है, इनके दरमियान, और B की जो परिधि दी हुई है B किसके अंदर है, वो 3π/2 और 2π के बीच में है, यानी ये जो 2π है इसके बीच में B है। तो फिर से कर लेते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज, अब A में A जो एंगल है इसमें केवल tan पॉजिटिव होगा, साइन और cos दोनों नेगेटिव होंगे, पहली चीज तो ये हो गई क्लियर। यहां पर आइए, यहां पर साइन और कॉस में क्योंकि कॉस पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव रहेगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है आपको, साइन का ध्यान रखना है, बाकी चीजें तो बिल्कुल सेम है जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया। कैसे करेंगे, जैसे साइन ए प्लस बी है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यह कॉस ए आपको दिया है -24/25, अब ए के बारे में बात हो रही है, इसका साइन निकालना है ए क्या, अब ए में साइन नेगेटिव आएगा तो जब आप यहां पर साइन लेंगे तो नेगेटिव लेंगे क्योंकि नेगेटिव आएगा, यहां पर करना तो वही अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 24/25 -24/25 का होल स्क्वायर यानी 1 माइनस 576/625 यानी कि 625 माइनस 576 जो कि 49 आएगा 49/625 अंडर रूट में, तो ये 7 आएगा, ये आपका 25 आएगा -7/25, ये तो हो गया।
अब साइन का देखिए, साइन बी का ये हम साइन बी यहाँ नेगेटिव आएगा क्योंकि बी एंगल यहाँ पर है, तो आपको भी इसका नेगेटिव लेना है, इसका भी नेगेटिव लेना है। साइन बी होगा माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, यानी अंडर रूट वन माइनस थ्री बाय फाइव का होल स्क्वायर, वन माइनस नाइन बाय ट्वेंटी फाइव, यानी ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन बाय ट्वेंटी फाइव, तो सिक्सटीन बाय ट्वेंटी फाइव, यानी कि फोर बाय फाइव, लेकिन नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में। अब आप साइन ए प्लस बी निकालिए, साइन ए प्लस बी है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसी तरीके से कॉस ए प्लस बी है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी क्या आएगा, साइन ए, ये साइन ए आपका नेगेटिव में लेंगे क्योंकि नेगेटिव हमने क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड कर लिया है क्या आने वाला है, तो बस यहाँ पर वैल्यू रखिए जो भी आपके पास यहाँ पर चारों चारों आ गई हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यहाँ थ्री बाय फाइव आएगा। इसी तरीके से आप कॉस ए प्लस बी करेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आपका माइनस चार बड़े पाँच आएगा, सारी वैल्यूज आपके पास है। तो बस ये माइनस का साइन ध्यान देना है, प्लस का साइन ध्यान देना है कि वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसके हिसाब से आपको वैल्यूज निकालनी है इसकी। अगला है 7.1 क्वेश्चन 4 है। अब इसमें क्या है, टेन ए दिया हुआ है आपको 3/4 और कॉस भी दिया हुआ है 9/41। इसमें जो ए एंगल है इसकी परिधि दी हुई है, यानी ये कहाँ है, पाई और 3π/2 के बीच में, और बी एंगल जो है वो दिया हुआ है π/2 और 0 के बीच में। फिर से बना लेते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब इसमें जो ए एंगल है वो पाई और 3π/2 के बीच में दिया हुआ है, यानी ए यहां पर है, ए एंगल यहां है, बी एंगल है 0 और π/2 के बीच में, यानी ए जो बी एंगल है वो यहां है कहीं पे और ए एंगल यहां पर है, तो बी और ए है। अब आप देखिए बी जो है वो पॉजिटिव रहेगा, मतलब सारे ऑल मतलब सारे पॉजिटिव रहते हैं यहां पे, तो चाहे कॉस निकाले साइन निकाले कुछ भी निकाले, बी सारे पॉजिटिव रहेंगे। ए में यहां पर केवल टेन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, साइन कॉस कुछ भी निकालिए वो सब नेगेटिव आएंगे, साइन कॉस टेन, बाकी साइन कॉस है तो जो कोजेक है और सेक भी नेगेटिव ही हो जाएगा। तो आप देखिएगा टेन ए आपका 3/4 है, कॉस भी आपका 9/41 है, तो पहले साइन बी तो निकाल ही लेंगे इससे, साइन बी कितना है, अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, हाँ तो 1-9/41 का होल स्क्वायर, 1-9 है 81, 41 है इसका स्क्वायर 1681, इसको निकालेंगे 40/41 आएगा, लेकिन ये रहेगा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि बी एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आप देखिए साइन बाय कॉस टेन होता है, तो अगर आपको टेन भी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, साइन बी बाय कॉस बी, यानी साइन बी तो अभी आपके पास आ ही गया 40/41, कॉस भी आपके पास था ही ऑलरेडी, तो इससे टेन भी निकालेंगे 40/9। अब आप देखिए टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं देखिए बता देता हूँ क्योंकि ये कई बार आने वाला है आगे, एक बार लिख के बता देता हूँ। टेन ए प्लस बी होता है टेन ए प्लस टेन बी बाय 1-10a 10b, ये होगा टेन ए प्लस टेन बी बाय 1-10a 10b। तो टेन ए आपके पास क्या है, 3/4, 10b आप निकाल ही चुके, इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका -187/84 आएगा, ऐसे निकालना है इसको। अगला जो सवाल है इसमें टेन ए आपको दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है हाफ, कॉस भी दिया हुआ है 12/13। अब ए की परिधि जो दी हुई है वो दी हुई है, ए लाई कर रहा है पाई बाय टू और पाई के बीच में, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब ए जो है वो पाई और पाई बाय टू के बीच में है, ये होता है जीरो, ये पाई बाय टू, ये पाई 3π/2 और ये 2π, तो ए है पाई बाय टू और पाई के बीच में, इसका मतलब ए यहां पर कहीं पर है। बी को देखते हैं, बी कहां है, बी के लिए भी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है आपको, ये है 3π/2 और 2π के बीच में, इसका मतलब बी आपका यहां आता है, साइन ए आपको दिया है कॉस बी आपको दिया हुआ है, हमको निकालना है टेन ए माइनस बी। पहले इसका फॉर्मूला बता देता हूं, टेन ए माइनस बी होगा टेन ए माइनस टेन बी बाय 1+10a 10b, ये आएगा। अब साइन ए है, जरा कॉस ए निकाल लिया जाए, कॉस ए क्या होगा, अंडर रूट 1-sin² प्लस माइनस। अब आप देखिए ए के बारे में बात हो रही है, ए कहां पर है, यहां पर, इसका कॉस निकल रहा है, कॉस यहां नेगेटिव होगा क्योंकि साइन केवल पॉजिटिव है,
तो कॉस जब आप निकालेंगे तो यार नेगेटिव ले लेंगे, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी तो आप कर ही लेंगे। अंडर रूट वन माइनस ये टाइम स्क्वायर ए है, ये वन माइनस साइन स्क्वायर ए है वन बाय टू का होल स्क्वायर। अंडर रूट वन माइनस वन बाय फोर यानी कि अंडर रूट थ्री बाय फोर यानी कि थ्री बाय टू आएगा, अंडर रूट थ्री बाय टू ये नेगेटिव में आएगा, बस ये ध्यान रखना है, नेगेटिव में आएगा। आइए यहाँ पर कॉस भी दिया हुआ है, साइन भी निकाल लेंगे आप। अंडर रूट वन माइनस कॉस कर भी यानी कि साइन भी निकालना है तो अंडर रूट वन माइनस साइन कॉस कर भी। अब साइन भी यानी बी कहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होंगे, केवल टेन पॉजिटिव होगा। तो साइन और कॉस दोनों नेगेटिव करने हैं, इसका मतलब अगर आपको यहाँ पर साइन भी निकालना है तो आपको नेगेटिव साइन लेके चलना है, क्योंकि प्लस माइनस होता है ना, अंडर रूट नेगेटिव लेके चलना है। बाकी 12 बटे 13 जो आपका आ रहा है वो तो आप रखेंगे, साइन भी हो जाएगा अंडर रूट 25 बाय 169 यानी कि माइनस साइन के साथ 5 बटे 13। अब टेन ही निकाल लीजिए, साइन ए बाय कॉस है, टेन भी निकाल लीजिए, साइन बी बाय कॉस भी, ऐसे इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। जो आपने निकाला है ना, क्योंकि साइन ए तो दिया हुआ है, कॉस ए निकाल लिया, इनको डिवाइड करिए, टेन ए आ जाएगा, कॉस भी साइन भी निकाला आपने, इसको डिवाइड कर दीजिए, साइन बाय कॉस ये टेन भी आ जाएगा। अब आपके पास फॉर्मूला है ही टेन ए माइनस बी का, टेन ए निकाल लिया, टेन भी निकाल लिया, वन प्लस टेन ए टेन भी निकाल लिया, मतलब है आपके पास, इसको निकालिए टेन ए माइनस बी, ये वैल्यू आएगी। इसमें ये कैलकुलेशन तो आपके सामने है ही, इसको तो आप कर ही सकते हैं। मेन चीज ये है कि साइन का ध्यान देना है, साइन कौन सी कहां पर है। नेक्स्ट जो सवाल है, इसमें साइन ए दिया हुआ है हाफ, कॉस भी दिया है रूट थ्री बाय टू, ए किसके दरमियान है, ए है पाई बाय टू और पाई के बीच में, और बी दिया हुआ है जीरो और पाई बाय टू के बीच में। ऑज गो टू कॉलेज, ए कहाँ है, पाई और पाई बाय टू के बीच में, इसका मतलब ए इसके बीच में है, यहाँ यहाँ ए है, बी कहाँ है, यहाँ है। तो बी के लिए तो कोई कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि और सारे पॉजिटिव होंगे यहाँ पे। ए के लिए सोचने की जरूरत है क्योंकि यहाँ साइन पॉजिटिव है लेकिन कॉस नेगेटिव होगा यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, साइन ए आपको दिया है, कॉस ए निकालना है, कॉस ए लेकिन ए की बात हो रही है तो कॉस नेगेटिव में होगा, तो ये नेगेटिव साइन लेके चलना है आपको। अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर करेंगे, वन माइनस हाफ होल स्क्वायर ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो सीधा रूट थ्री बाय टू लाइए लेकिन माइनस साइन के साथ। अब साइन भी निकालना है, साइन भी है आपका अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर भी, साइन भी देखते हैं जरा आगे, यहाँ पर साइन भी देखिए, यहाँ पर साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव है, सारे के सारे सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन कॉस टेन यहाँ पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, पॉजिटिव लेंगे, ये पॉजिटिव आएगा, वन अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर बी जो कि वन माइनस अंडर रूट थ्री बाय टू का होल स्क्वायर, यानी हाफ आ गया। अब आप टेन ए कैसे निकालेंगे, ये साइन ए बाय कॉस ए टेन ए हो गया, फिर ये साइन बी बाय कॉस बी ये आपका टेन बी हो गया, तो टेन ए प्लस बी क्या हो गया, टेन ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए टेन बी, यहाँ वैल्यूज रख लीजिए आपकी जीरो आएगी, टेन ए प्लस बी आपका जीरो आएगा। ये जो नेक्स्ट सवाल है इसमें क्या करना है, इसमें हमारे पास साइन ए दिया हुआ है हाफ, कॉस भी दिया हुआ है रूट थ्री बाई टू, ये हम अगर देखें तो इसमें जो हमने पहला लिया था इसके जस्ट पहले टेन ए प्लस बी, जब टेन ए प्लस बी लिया था तो हमने टेन ए प्लस टेन बी बाय वन माइनस टेन ए टेन बी लिया था, लेकिन अब एक और इसमें चीज पूछी गई है टेन ए माइनस बी, तो उसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास सारे वैल्यू है तो टेन ए माइनस टेन बी बाय वन प्लस टेन ए टेन बी ये आएगा ना। आप देखिए टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए कितना है माइनस वन बाय रूट थ्री, माइनस ये रूट थ्री, ये टेन बी, टेन बी कितना है वन बाय रूट थ्री, वन प्लस टेन ए टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी यानी माइनस वन बाय रूट थ्री इंटू प्लस वन बाय रूट थ्री, ये करना है बस। तो यहां पर जीरो नहीं आएगा बल्कि अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका माइनस रूट थ्री आएगा, ये यहां पर सेम चीज मैंने रख दी है, इसे कैलकुलेशन माइनस रूट थ्री आपका आएगा। अब आपके पास है साइन 78 कॉस 18 माइनस कॉस 78 साइन 18, आपको इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट कैसे करेंगे, देखिए ये अगर मैं इसको एंगल ए मानूं, इसको एंगल बी मानूं, तो ये हो रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अभी हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला है,
यह है साइन ए माइनस बी का, यानी अगर हम इसको लिखे साइन ए है 78 माइनस बी कर दीजिए माइनस 18, साइन 78 माइनस 18 कितना हो गया, ये साइन 60, 78 माइनस 18 होता है 60, 78 माइनस 18 60 हुआ, तो साइन 60, साइन 60 की वैल्यू तो हमें पता ही है रूट 3/2, ऐसे ही बाकी भी ऐसे ही आएंगे। ये ए है ये बी है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी, यानी कॉस 47 प्लस 13, कॉस 47 प्लस 13 क्या होगा, कॉस 60, कॉस 60 होता है हाफ। यहां पर भी साइन ए और बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है साइन ए प्लस बी, यानी साइन 36 प्लस 9 यानी साइन 45, ये 1/√2। ऐसी आपके पास अगला क्या है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये ए है ये बी है, तो कॉस ए प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी यानी कॉस 80 माइनस 20 कॉस 60, ये हो गया आपका हाफ, इस तरीके से आएगा ये। अगला जो सवाल है इसमें आपको कॉस ए दिया हुआ है माइनस 12/13 और कॉट बी दिया हुआ है, यहां पे यहां कॉट बी दिया हुआ है 24/7, जहां पर ए है सेकंड क्वाड्रेंट में बी है थर्ड क्वाड्रेंट में। चलिए आते हैं यहां पे, ए है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ए यहां है और बी आपको थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है, बी यहां है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अब आपको वैल्यू निकालनी है साइन ए प्लस बी की, कॉस ए प्लस बी की, टेन ए प्लस बी की, तो कॉस और कॉट दिया हुआ है, पहले कॉस दिया हुआ है इससे साइन निकालते हैं, क्योंकि ए की बात हो रही है, ए एंगल यहां पर क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में है और यहां साइन पॉजिटिव होता है, तो हम साइन निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा, तो यहां प्लस माइनस साइन में आप प्लस ही लेंगे केवल, तो ये होगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी अंडर रूट 1 माइनस माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, ये आएगा 5/13, ये आपका साइन आ गया। अब आइए कॉट बी पे, कॉट बी से आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं कोजेक, आप जानते हैं कॉट स्क्वायर और कोजेक स्क्वायर में क्या रिलेशन है, कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कोजेक स्क्वायर थीटा आपको निकालना है, तो ये जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे आएगा ठीक, कोजेक थीटा होगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कोजेक थीटा मतलब यहां बी की बात हो रही है, बी इसमें है, लेकिन यहां पर केवल टेन पॉजिटिव होता है, कोजेक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो साइन और कॉस तो नेगेटिव होंगे, तो साइन और कॉस होंगे तो कोजेक और सेक भी नेगेटिव होगा यहां पर, तो कोजेक का नेगेटिव साइन लेंगे आप, क्योंकि कोजेक नेगेटिव होगा यहां पर, बाकी तो करना ही वही है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी, यानी कि 1 प्लस 24/7 का होल स्क्वायर, ये आपका माइनस 25/7 आएगा, नेगेटिव ध्यान रखिएगा। अब कोजेक आ गया तो इसको उलट दीजिए, तो साइन आ जाएगा, साइन आ गया, कोजेक होता है 1/sin, इसीलिए इसको उलट दिया हमने, -7/25 आ गया। अब कॉस भी निकालना है क्योंकि साइन भी निकाल चुके आप, तो अंडर रूट 1-sin2 भी। अब देखिए आप कॉस भी निकालना चाह रहे हैं, आइए फिर से यहाँ पर कॉस फिर नेगेटिव है यहाँ पे, तो इसका नेगेटिव साइन लेंगे आप अंडर रूट 1-sin2 भी, बल्कि ये सब तो आप लगाएंगे बाहर आप नेगेटिव साइन लेंगे, यानी कि -24/25 आएगा। अब आइए साइन ए प्लस बी पे, साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आपके पास कॉस बी आ गया है, आपके पास साइन बी आ गया है, आपके पास कॉस ए आ गया है और साइन ए आप यहाँ ने यहाँ निकाल लिया, यहाँ रख लीजिए -36/325, ये हो गया। अब ये वैल्यू सब ध्यान रखिएगा क्योंकि अब मैं अगले पन्ने पे जा रहा हूँ, हम कॉस ए प्लस बी निकालना चाहते हैं, कॉस ए प्लस बी क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले, तो 323/325 आएगा। अब टेन ए प्लस बी निकालना है, आपको ऑलरेडी कॉट भी तो दिया ही था, तो इसको उलट दीजिए, टेन हो जाएगा, टेन भी आपके पास आ गया 7/24, ये तो हो गया टेन भी। अब आपके पास कॉस ए है, साइन ए आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपका टेन ए आ जाएगा, साइन ए यानी कि ये 5/13/-12/13, तो -5/12 आ जाएगा। तो आपके पास टेन भी आ गया, टेन ए आ गया, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी बाय 1-10, ये दोनों वैल्यू रखिए, इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आप यहाँ लिख दीजिएगा, टेन ए प्लस बी, ये इसका सॉल्यूशन है। अगला जो सवाल है इसमें लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया है कॉस 105 प्लस कॉस 15, इसको प्रूव करना है कि ये किसके बराबर है, ये है आपका साइन
75 माइनस साइन 15, इसके बराबर प्रूव करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले 105 को कैसे लिख सकते हैं? 105 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 15, तो इसकी जगह 90 प्लस 15 लिख दीजिए, कॉस 90 प्लस 15, कॉस 15, ये 15 डिग्री है। 15 को कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 75, ये कॉस 90 प्लस 15 हो गया प्लस कॉस 90 माइनस 75। कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ से समझ जाएंगे आप। जब हम कॉस 90 प्लस थीटा की बात बारे में बात कर रहे हैं तो हम इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और कॉस यहाँ पर ऑल स्कूल टू कॉलेज, कॉस यहाँ नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव में आएगा, माइनस साइन 50। कॉस 90 माइनस 75, अब यहाँ तो सारे पॉजिटिव होते हैं तो इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है, प्लस है, ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन 75 हो गया। अब इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, साइन 75 माइनस साइन 15 हो गया, यही प्रूव आपको प्रूव करना था राइट हैंड साइड में, यहाँ आ गया ये। ये जो अगला सवाल है ये हम अगले डिस्कशन में लेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।